आज की वीडियो में हम जानेंगे हम अपनी हाई वोल्टेज लाइन पर एसीबी क्यों नहीं लगाते हैं। दोस्तों, जब भी हमारी हाई वोल्टेज लाइन की बात आती है या तो हम वीसीबी का नाम लेते हैं, वीसीबी, ओसीबी दोस्तों, एबीसीबी हो गया दोस्तों, SF6 हो गया दोस्तों। इन सब सर्किट ब्रेकरों का हम यूज करते हैं, यानी कि सर तरह के अलग अलग तरह के सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं, लेकिन वहां पर हम एसीबी मतलब दोस्तों एयर सर्किट ब्रेकर नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसके पीछे का रीजन जान लेते हैं, आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम हाई वोल्टेज लाइन पर एयर सर्किट ब्रेकर का यूज क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, बिना देर किए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आखिर दोस्तों हमारा सर्किट ब्रेकर क्यों लगाया जाता है, सर्किट ब्रेकर का लगाने का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे दोस्तों। सर्किट ब्रेकर यानी कि हमारे किसी सर्किट को ब्रेक करने वाला भी इससे कहलाता है सर्किट ब्रेकर। हमारा कोई सर्किट है दोस्तों, मैंने इधर लोड कनेक्ट किया है और मेरी इधर से लाइन आई है दोस्तों, इसको हम बीच से ब्रेक करने के लिए, सर्किट को ब्रेक करने के लिए वीसीबी एसीबी दोस्तों कोई भी सर्किट ब्रेकर लगाते हैं इसको बीच से ब्रेक करने के लिए, यानी कि हमारे सर्किट को ब्रेक करना ही हमारे सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य होता है दोस्तों। इसका सिलेक्शन हम अपने लोड के हिसाब से करते हैं, यानी कि हमको कुछ लोड से प्रोटेक्शन भी मिल जाए, हमारा जो लोड चल रहा है उसको प्रोटेक्शन भी मिल जाए दोस्तों, इस तरीके से इसका हम सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन इसका मुख्य जो रीजन है लगाने का वो यही है दोस्तों, सर्किट ब्रेकर यानी कि सर्किट को ब्रेक करना मुख्य रीजन यही है। लेकिन हम कुछ प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए इन सब का सिलेक्शन करते हैं दोस्तों। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, जब हमारे जो सर्किट ब्रेकर है उसका काम सिर्फ सर्किट को ब्रेक करना है तो फिर हम अलग अलग टाइप के सर्किट ब्रेकर का यूज क्यों करते हैं, जैसे हमारा एसीबी हो गया, वीसीबी हो गया, ओसीबी हो गया दोस्तों, और दोस्तों हमारा एबीसीबी हो गया या कोई भी सर्किट ब्रेकर हो गया, हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्किट ब्रेकर क्यों यूज करते हैं। अगर सिर्फ सर्किट को ब्रेक करना है तो दोस्तों हम कोई एक यानी कि सिंगल सर्किट ब्रेकर क्यों नहीं यूज कर लेते सब जगह। तो दोस्तों, इसका मैं कारण भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम अलग अलग टाइप के सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं दोस्तों। अगर आपने कभी इलेक्ट्रिकल वर्क किया होगा तो आपने कभी लाइव एमसीबी के कनेक्शन किए होंगे। लाइव एमसीबी मतलब कोई हमारी एमसीबी लगी हुई है और उसमें क्या है, सप्लाई आ रही है, यानी कि उसमें रनिंग सप्लाई है, रनिंग सप्लाई में अभी आपने कभी कनेक्शन किए होंगे। तो दोस्तों, जब हम लाइव एमसीबी में कनेक्शन करते हैं तो जब हम कनेक्शन करते हैं, जब लाइन जिसमें हमारा यानी कि जिसमें हमारी सप्लाई अवेलेबल हो, यानी कि जिसमें सप्लाई पहले से है, अगर मैं उसमें कनेक्शन करता हूं तो कनेक्शन करते टाइम यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा स्पार्किंग होती है दोस्तों। क्या होती है, स्पार्क उठती है, यहाँ पे थोड़ी स्पार्किंग होती है। आपने हमेशा कनेक्शन करते टाइम देखा होगा, हम जब लाइव एमसीबी यानी कि जिसमें सप्लाई पहले से हो उसके हम कनेक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम वायर जोड़ते हैं तो यहाँ पे हल्की सी स्पार्क उठती है। तो दोस्तों, इस स्पार्क को हम इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल आर्क, यानी कि इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल आर्क। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल आर्क बनती है जब हम लाइव यानी कि जिस एमसीबी में जहां पे करंट अवेलेबल है, हम ये एक तरह से सर्किट ही तो जोड़ रहे हैं, इसको आपस में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिकल आर्क बन रही है। तो दोस्तों, इस आर्क को कंट्रोल करने के लिए ही हम क्या करते हैं, अपने अलग अलग टाइप के सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर जब हम अपनी एमसीबी के कनेक्शन कर रहे होते हैं वहां पर जो आर्क उठती है यानी कि आर्क बनती है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद भी हम इसको कंट्रोल करने की क्यों जरूरत करते हैं, यानी कि आवश्यकता क्यों पड़ती है इसको आर्क को कंट्रोल करने की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये तो हमारे यानी कि लो वोल्टेज है, यहाँ पर आपको 220 या 440 वोल्टेज तक ही देखने को मिलेंगे जो हम अपनी एमसीबी के कनेक्शन करते हैं। लेकिन वही बात करें दोस्तों, जो हमारी एसटी लाइन होती है यानी कि हाई वोल्टेज लाइन जो होती है दोस्तों, जैसे जैसे हमारे
वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिकल आर्क है यानी कि जो हमारी आर्क है दोस्तों, इसकी क्षमता भी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों, जो हमारा पानी जो होता है दोस्तों, अगर हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दे तो दोस्तों उससे भाप बन के उड़ने लगती है। तो दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल आर्क होती है तो दोस्तों इसका टेम्परेचर जो होता है ना, वो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यानी कि जो हमारा पानी उबल जाता है यानी कि पानी की भाप बन जाती है, उससे 20 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों अगर ये 20 गुना ज्यादा है, अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे 2000 डिग्री सेल्सियस को, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल पैनल लगे है दोस्तों, उसको भी बंद हो जाएंगे यानी कि वे भी जल जाएंगे। जो हमारी बस बार लगी हुई है दोस्तों, बस बार भी क्या होगा, जल जाएगी। हमारी केबल वगैरह सब जल जाएगी, क्योंकि 2000 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो एल्यूमिनियम की वायर या कॉपर की वायर है वो सब क्या होगा दोस्तों, पिघल जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए हम इस आर्क को कंट्रोल करने के लिए इतना कुछ मतलब इतने टाइप के सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है, यानी कि डिफरेंट टाइप के सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब हम ये जानेंगे आखिर हमारे सर्किट ब्रेकर किस तरह से हमारी आर्क को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप कोई सर्किट ब्रेकर खरीदने जाते हो या आप सर्किट ब्रेकर के बारे में जानते हो, तो आपको मालूम होगा कि हमारे किसी भी सर्किट ब्रेकर के साथ में एक वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, हमारा आर्क क्यूंचिंग। दोस्तों ये वर्ड आपने सुना होगा। इसका आर्क का मतलब तो हमारा इलेक्ट्रिकल आर्क हो गया, और क्यूंचिंग का मतलब हो गया दोस्तों यानी कि इसको क्षमता यानी कि हमारी कितनी क्षमता है, आर्क क्यूंचिंग कितनी है यानी कि इसकी क्षमता हो गई, एक तरह से हमारा क्षमता हो गया, मतलब कि दोस्तों इसको कंट्रोल करना यानी कि हमारे आर्क को कंट्रोल करने की कितनी क्षमता है। तो हर सर्किट ब्रेकर जो होता है उसकी अपनी अपनी एक आर्क क्यूंचिंग क्षमता होती है, यानी कि आर्क को कंट्रोल करने की क्षमता सब सर्किट ब्रेकर की अलग अलग होती है। चाहे हमारा एसीबी हो दोस्तों, वीसीबी हो, ओसीबी हो, यानी कि कोई भी सर्किट ब्रेकर हो, इन सबकी अलग अलग क्षमता होती है। ये अलग अलग तरीके से हमारी आर्क को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों अब हम यही जानेंगे आखिर हमारा एसीबी, वीसीबी, ओसीबी यानी कि ऑल सर्किट ब्रेकर जो हम यूज करते हैं लो टेंशन से हाई टेंशन तक, वो किस तरीके से हमारी आर्क को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों अब जानेंगे हम हमारे सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो किस तरीके से हमारी आर्क को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा एसीबी होता है। तो दोस्तों एसीबी में कुछ स्पेशल ऐसा कुछ नहीं लगा रहता है, इसमें ये नॉर्मल होता है दोस्तों। इसके जो हमारा सर्किट जो ब्रेक होता है वो नॉर्मल एयर में होता है, इसमें कोई स्पेशल यानी कि ऐसा स्पेशल नहीं होता कुछ कि इससे हम आर्क को कंट्रोल कर सके, क्योंकि दोस्तों ये लो वोल्टेज होता है, इसमें 440 वोल्टेज तक होते हैं जो एक नॉर्मली हम एयर में कर लेते हैं, इससे नॉर्मली स्पार्किंग होती है। दोस्तों वही बात करें जो हमारा वीसीबी होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसका फुल नाम होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। दोस्तों ये कितने 66 केवीए तक यूज किया जाता है जो हमारा वीसीबी होता है, 66 केवीए तक। तो दोस्तों इसमें एक चैम्बर बना होता है जिसमें हमारा सर्किट ब्रेक होता है। और दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, जो इसका चैम्बर होता है उसमें हमारा वैक्यूम भरा होता है, और वैक्यूम भरा होता है, उसमें बाहर से एयर नहीं होता, वो वैक्यूम सील्ड होता है। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से यानी कि जो इसका चैम्बर होता है उसमें वैक्यूम सील्ड होता है, उसमें एयर अंदर नहीं घुस सकती। और दोस्तों ये हमारे इसी तरीके से दोस्तों एयर नहीं जाएगी तो वहां पे जो आर्क है वो भी कंट्रोल हो जाएगी, यानी कि जब तक हमारी आग को हवा नहीं लगती तब तक वो हवा मतलब आग तेज नहीं होती है। तो दोस्तों उसमें वैक्यूम भरा रहता है, तो ये उसके द्वारा वैक्यूम चैम्बर जो है इसका, जहां पे सर्किट ब्रेक हो रहा है उसके द्वारा हमारी आर्क को कंट्रोल करता है। वही बात करें दोस्तों जो हमारा ओसीबी होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसका फुल नेम होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों इसको मैं बता दूं, जो हमारी हैवी लाइन पर इसका यूज किया जाता है 66 केवीए से ऊपर। तो दोस्तों जब ये सर्किट को ब्रेक करता है तो इसमें एक क्या होता है, जहां पर ये सर्किट को ब्रेक करता है तो इसमें एक ऑयल का चैम्बर बना रहता है।
तो दोस्तों ऑयल उस चैम्बर में ऑयल भरा होता है जिस तरीके से आप सोच सकते हो दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है तो उसी तरह का ऑयल इसके अंदर भी भरा रहता है जो एक तरह से इंसुलेशन का कार्य करता है। जैसे ही हमारा सर्किट ब्रेक होगा दोस्तों तो ये ऑयल से भरा चैम्बर जो होता है, जो ऑयल होता है एक तरह से हमारी आर्क को जो कंट्रोल करने के लिए आर्क को एक तरह से इंसुलेट कर लेता है, यानी कि आर्क को वहीं पे ठंडा कर देता है, यानी कि ऑयल वाला चैम्बर। तो दोस्तों ओसीबी इस तरीके से हमारी आर्क को कंट्रोल करता है। दोस्तों वही बात करें जो हम पहले बात करते हैं एबीसीबी की, यानी कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों इसमें क्या रहता है, इसमें एक सिलेंडर लगा रहता है और सिलेंडर के साथ में एक मोटर लगी रहती है, यानी कि जो सिलेंडर है दोस्तों ये अपने अंदर एयर अब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही हम सर्किट को ब्रेक करेंगे, यानी कि जैसे ही हम सर्किट को ब्रेक करेंगे हमारी मोटर घूमेगी और दोस्तों ये सिलेंडर की जो एयर है, जो हमारा जहां पे सर्किट ब्रेक हो रहा है ये सिलेंडर उस पर एयर मारता है उसकी आर्क को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि जैसे ही हमने उसको ऑन किया तो दोस्तों जैसे ही ये ऑन होगा तो ये एयर छोड़ेगा, उसके बाद ये फिर दोबारा से एयर रिलीज करेगा। जैसे ही हमने ऑन किया यानी कि सर्किट को ब्रेक किया या ऑन किया, एयर रिलीज करता है और जैसे ही रिलीज किया उसके बाद वापस ऑब्जर्व कर लेता है अपने पास, यानी इकट्ठी करके रख लेता है। एक आप देख सकते हो डिस्प्ले पे एक सिलेंडर टाइप का है दोस्तों, इसी के अंदर जो रहती है एयर रहती है जो हमारी आर्क को कंट्रोल करने का कार्य करती है जब हम सर्किट ब्रेकर को ऑन या ऑफ करते हैं। तो इसका नाम होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। देख लेकिन एक चीज बता दूं दोस्तों, इसका यूज अभी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि एक हमारा नया वर्जन आ गया है SF6 करके। तो दोस्तों SF6 सर्किट ब्रेकर आ गया है, जो हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज कर रहे थे इसका यूज हो गया है कम। अब जब SF6 का यूज हो गया है, ये एडवांस वर्जन है। इसमें एडवांस क्या है दोस्तों इसमें सिलेंडर जो होता था उसमें नॉर्मल एयर होती थी, नॉर्मल एयर, लेकिन जो हमारा इसका सिलेंडर है तो इसमें सल्फर फ्लोराइड गैस भरी रहती है जो हमारा सिलेंडर होता है। और दोस्तों ये उस गैस को हमारे सर्किट के ऊपर छोड़ता है जब हमारा सर्किट ब्रेक होता है या हमारा सर्किट क्लोज होता है। दोनों कंडीशन में क्या करता है, हमारे सिलेंडर जो होता है वो सल्फर फ्लोराइड गैस को हमारे सर्किट पर छोड़ता है और हमारी आर्क को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे सर्किट ब्रेकर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्किट ब्रेकर को यूज किया जाता है हमारी जो आर्क होती है इलेक्ट्रिकल आर्क उसको कंट्रोल करने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके बताइए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।